तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मिल रही है लगातार बैक टू बैक टॉस मैच और सेशंस की विनिंग प्रेडिक्शंस। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीएल 2024 के नवे मुकाबले की जो भी खेला जाएगा सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच। ये मुकाबला 7 सितंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 4:30 से वार्नर पार्क स्टेडियम सेंट किट्स में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 8 मुकाबलों में बारबाडोस रॉयल्स की टीम जीती है, वहीं सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की टीम ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर नेविस पेट्रियट्स की टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है बारबाडोस रॉयल्स से। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तो हमें बारबाडोस रॉयल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे क्वेंटिन डीकॉक, कप्तान रहकिम कॉर्नेल, समारा ब्रूक, एलिक एतेंजे, कप्तान रोमन पावेल, जेसन होल्डर, दुनित विला लगे, ओबेड मोकोई, महेश थिक्सना, नवीन उल हक और नईम यंग। बारबाडोस की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को भी जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की प्लेइंग 11। तो हमें पेट्रियट्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान इविन लुइस, आंद्रे फ्लेचर, काइल मैस, जॉस क्लार्कसन, सरफानेदर फोर्ट, माइकल लुइस, ओडेन स्मिथ, रियान जॉन, वीरस्मी पार, मोहम्मद मोहसिन और एनरिक नॉर्थजे। दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही हैं और इनफॉर्म भी हैं। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। यहाँ पर सेंट किट्स का मिडिल ऑर्डर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है, वहीं बारबाडोस के मिडिल ऑर्डर को अभी तक कुछ भी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें लगभग बराबर नजर आ रही हैं। दोनों ही टीमों के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप मौजूद है तो इन दोनों के बीच हमें एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग जैकपॉट मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की तो ये मुकाबला खेला जाने वाला है वार्नर पार्क स्टेडियम सेंट किट्स में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 143 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 266 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 80 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेस 242 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 142 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पहले बैटिंग या बॉलिंग चूज करेगी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग के जीतने का एवरेज लगभग बराबर है। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ मुकाबलों में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। यहाँ पर स्पिनर्स के मुकाबले पेसर्स को काफी मदद देखने को मिलती है, तो एक तरफ है नवीन उल हक और दूसरी तरफ है एनरिक नॉर्थजे, दोनों ही यहाँ पर विकेट चटकाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन जिस टीम के लिए जो बॉलर ज्यादा विकेट चटकाएगा वही टीम हमें जीतती हुई नजर आ सकती है। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पर टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट तो आती जाती है, इसी के साथ सेशंस भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं और जो अदर लीग चल रही है, अदर मैचेस चल रहे हैं उनकी भी प्रेडिक्शंस आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाती है, वो भी बिल्कुल ही फ्री। इसलिए ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है बारबाडोस रॉयल्स। हाँ दोस्तों, बारबाडोस इस मुकाबले को जीत रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टॉस विनर, सेशंस और मैच की फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।